देंगे यहाँ से पहले। एंड वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। आज मैं बहुत ही जल्दी उठ चुकी हूँ क्योंकि मेरे कॉलेज का फर्स्ट डे है और मुझे जाना है, और मैं बहुत ही नींद में दिख रही हूँगी और मेरी शक्ल भी बहुत ही सोलन है क्योंकि अभी भी उठी हूँ मैं, और मैं लेट होने वाली हूँ क्योंकि मुझे पहले से पता चल रहा है मैं लेट उठी हूँ, तो मुझे फटाफट रेडी होना पड़ेगा और फिर मिलती हूँ मैं आपसे रेडी होकर क्योंकि मैं लेट हो जाती आपको बताएंगी। आज का वेदर बहुत ही ख़राब है, बहुत ही बारिश हो रही है और बहुत ही ठंडा ठंडा मौसम है, पर अच्छा है क्योंकि बहुत ही गर्मी हो रही थी डेली में कुछ दिनों से, आज बारिश हो गई तो आई एम हैप्पी। हम कॉलेज पहुंच चुके हैं और थोड़े से लेट हो चुके हैं क्लास के लिए, तो चल चलते हैं और फिर मिलेंगे आपसे। हमारी एक क्लास खत्म हो चुकी है जो थी पॉलिटिकल साइंस की, और मुझे भूख लग रही है, मैंने ब्रेकफास्ट नहीं किया है, तो अभी हम कैंटीन जा रहे हैं और उसके बाद हमारी एक क्लास है और मेरी एक दोस्त आई नहीं है, हम उसका वेट भी कर रहे हैं, अब वो आएगी भी कि नहीं पता नहीं है, तो चलो चलते हैं और फिर मिलाऊंगी मैं आपको उससे। फिर मैंने अपना ब्रेकफास्ट इंजॉय करा क्योंकि मुझे बहुत ही भूख लग रही थी, और मीनवाइल मेरी दोस्त ने मुझे कंपनी दी। हम लोग लाइब्रेरी में आए हैं और बहुत ही आराम से घूमना पड़ रहा है यहाँ पे, मुझे निकाल देंगे यहाँ से पहले। और मेरी दोस्त मुझे यहाँ पे लाई अपने साथ, इसको न्यूज़पेपर पढ़ना होता है, मुझे भी ना नहीं आप, पर मैं यहाँ सो जाऊँगी, मैं नींद आ रही हूँ, मेरे सर फटने वाले और ऊपर पंखा चल रहा है तो मजा आ रही है। पढ़ाकू दोस्त थी यहाँ पे आके न्यूज़पेपर पढ़ रही है, इस साल की कॉलेज लाइफ में न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा, यहाँ पे घर पे पढ़ा है पर यहाँ पे नहीं पढ़ा, पर ये देखो पढ़ाकू दोस्त। लोको हाय नहीं किया, हाय मुझे मिस किया, ये मेरी दोस्त बिंदिया, और अभी हर्षिता नहीं आई है, फिर हम सब मजे करेंगे। आएगी भी पता नहीं मैंने, आएगी आएगी बोल रही थी मैं, ये ड्रेस पहन के मैं यहाँ सोई हूँ और ये मेरा वीडियो बना रही, शर्म भी नहीं आ रही है। ऐसा मत करिए, लाइब्रेरी में आके लोग पढ़ते हैं, मैं यहाँ आके सो जाती हूँ क्योंकि मेरे को रात को नींद नहीं आई और मुझे बहुत सर्दी हो रहा है, तो मैं सो रही हूँ यहाँ पे। ओके गुड नाइट बाय, थोड़ी देर में मिलेंगे। मैं यहाँ इतनी जोर जोर से शोर मचा रही हूँ ना, मुझे थोड़ी देर में निकालने वाले लाइब्रेरी में। मेरे सर में इतना दर्द हो रहा है ना, फट रहा है, और मुझे लग रहा है मुझे बुखार आने वाला है, और मुझे जॉइंट पेन भी हो रहा है, मैं ना बीमार होती रहती हूँ, मेरे साथ कुछ ना कुछ होते रहते हैं, सच में आपको मेरी शक्ल से दिख रहा होगा, बहुत दो फील हो रहा है मुझे, ये मेरा हाथ भी दर्द हो रहा है, फोन उठाने में भी मेरा दर्द हो रहा है। हम पूरा ग्रुप मिल चुके हैं और हमारी क्लासेस खत्म हो चुकी है, और ये हमें अपनी कहानियाँ सुना रही है, और भूख लगी है तो मैं पापड़ चाट लाई हूँ, तो अभी हम वो खाएंगे, और रिश्ते हेलो तो बोल रही हूँ प्रॉपर। ये है मेरी छोटी दोस्त, ये है मेरी बड़ी दोस्त, ये है मोटी दोस्त। और फिर हर्षिता और मैं कुछ खाने गए, और वहाँ पे हमने रेड सॉस पास्ता ऑर्डर करा जो कि बहुत ही टेस्टी था। नेक्स्ट डे हो चुका है और मैं कॉलेज से आ गई थी कल, और मैं बहुत थक गई थी तो मैंने कुछ नहीं किया, बट आज मुझे सफाई करनी है घर की क्योंकि मैं बहुत टाइम बाद आई हूँ दिल्ली और मेरा घर मैस है, तो मुझे साफ करना बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि मेरे कॉलेज शुरू हो जाएंगे तो मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं रहेगा, तो मैं सोच रही हूँ कि मैं आज साफ कर लेती हूँ एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। पहले मैं अपनी अलमीरा सेट करूंगी ताकि मुझे इजी हो जाए कपड़े चूज करने में, क्योंकि मैं सुबह लेट होती हूँ आपको पता ही है, तो वो सबसे ज्यादा मैस है, तो वहां से स्टार्ट करते हैं हम। इज द मेस राइट नाउ, ये है मेरी अलमारी का हाल। मैंने कपड़े डम किए कि मैं पोर्शंस बनाऊं कि कौन सा धोना है, कौन सा रखना है, कौन से साइड में करने हैं, कौन सा डिटर्ट करना है, तो ये सब करेंगे अभी। सूटकेस भी नहीं खोला है, इसका भी कुछ ऐसा हाल है, डोंट जज प्लीज, ऐसा होता है। तो अभी हम ये सारा ठीक करेंगे। कपड़े फोल्ड करी हूँ, तब तक मैंने वॉशिंग मशीन में भी कपड़े डाल दिए ताकि ये सब सॉर्ट आउट हो जाए और फिर जल्दी जल्दी काम हो, क्योंकि ज़्यादा टाइम भी नहीं है मेरे पास, तो चलो काम करते हैं अभी फिर से। ऑलमोस्ट थोड़ी सी अलमीरा सेट कर दी है अभी,
अपना सूटकेस को सेट करूंगी अपनी अलमीरा में। जब मैं अपने कपड़े यहाँ पे सेट कर रही हूँ तो मुझे पता चल रहा है कि मैं कितने फालतू के कपड़े लेती हूँ जो मैं आते पहनती नहीं हूँ, और कितने कपड़े छोटे हो चुके हैं जो मैं पहनती नहीं हूँ। तो वो सारा मैं डिक्लटर कर दूंगी, क्योंकि बहुत सामान हो रहा है, मेरे घर में सामान रखने की जगह नहीं है। मेरा पूरी तरह सेट हो चुकी है और अब हम सॉर्टेड है। और ये वाला ड्रॉअर भी दिखाती हूँ, ये भी पूरा सॉर्टेड है। और ये वाली अलमीरा भी मैंने सेट कर दी है, ये मेरे विंटर क्लोथ्स है और यहाँ पे थोड़ा घर का सामान है, तो आई एम गुड टू गो। हेलो गाइस, तो अभी नेक्स्ट डे हो चुका है और आज मैंने एथनिक पहना है क्योंकि आज राखी है। तो आप सबको हैप्पी रक्षाबंधन। मैं घर से दूर हूँ तो मुझे घर की बहुत याद आ रही है, राखी मिस कर रही हूँ। बट अभी मैं कॉलेज जा रही हूँ क्योंकि मेरी क्लास है आज, कॉलेज वालों ने राखी के दिन भी क्लास रखी है तो जाना पड़ेगा मुझे। सब इधर गर्ल्स गैंग मिलके मेहंदी लगा रहे थे एक दूसरे को, और काफ़ी अलग मेहंदी लगाई है मैंने, काफ़ी प्यारी लगाई है, मेरी भाभी ने लगाई है। तो ये मैं आपको दिखा रही हूँ क्योंकि मैं मेहंदी नहीं लगाती हूँ, और ये भी फौरन चेंज मैंने लगा दी। और मेरी मम्मा बहुत ही खुश होने वाली है ये वीडियो देख के, क्योंकि मैंने एथनिक पहना है और वो मुझे बोलते हैं सूट पहनो सूट पहनो, तो आज पहन लिया, मम्मी खुश हो अब आप तो चलो चलते हैं, मैं बहुत लेट हो रही हूँ। हम सब एक दूसरे को राखी बांध रहे हैं और हम एक दूसरे की रक्षा करेंगे, यो चलो बांधते। इधर बहुत ही ट्रेडिशनल राखी सेरेमनी चल रही है। इधर मेरी बिट्टू, मैंने इसे नया नाम रखा है बिट्टू। ये है सक्कू, कुछ लपूसा सक्कू। जी गुर्दी जोनी, बोलती तो है ही बहुत ही। दो दोस्तों का मिलन हो रहा है, मिलन अब सब रक्षा करेंगे। मेरा कुपर हिंदू दोस्त जो सीजर लेके बैठी है और मेरे बाल काटना चाहती है, पता नहीं क्यों इसको इतना शौक आ रहा है आज मेरे बाल काटने का, बताओ। जो कि नए बाल है ना, मेरे बाल पुराने थे यार। ये देखो एक दोस्त मेरी फोन में गुस्सी होती है जब भी आती है, जाना के पड़े ना। जैसा कि आप प्रूफ दिख रहा है ये फोन में गुस्सी है, फिर भी मुझे गलत प्रूफ कर रही है। और ये देखो इसकी सुंदर राखी बिंदी, तू भी दिखा और मेरी भी, ये देखो। आज हमने राखी बिल्कुल ही ट्रेडिशनली बनाई, टिका टुका लगाया हमने, और मेरी सुंदर सी राखी दिखाती हूँ आपको। ये देखो दोस्तों मेरी राखी, मैं बहुत हैप्पी। इन्होंने मेरा नाम जिंगूर से ज्योति रख दिया है। आज जिंगूर से ज्योति मुझे क्यूट सी लग रही है क्योंकि मैं बहुत टाइम बाद एथनिक पहना ना, तो मैं खुद को ही देख के जा रही हूँ और ऑब्सेसिव हो गई हूँ मैं खुद को लेके। पर जिंगूर से ज्योति प्यारी दिख रही है आज। हमने राखी सेलिब्रेट करी है, अभी वैसे मैं पानी की बॉटल्स भरने जा रही हूँ, तो ये रही हमारी राखी। और अब ज्योति जा रही है हमें छोड़कर, पर कल मैं फिर से मिलूंगी इससे अगर ये क्लास के लिए आई तो। सो ओवर एंड आउट। आज मैंने ये पहना था कॉलेज के लिए और राखी थी तभी भी मैंने एथनिक पहन लिया क्योंकि मेरा बहुत ही मन करा था और काफी प्यारा सूट था तो पहन लिया।
Thank you.